उनके दिए में तो तेल ही नहीं बचेगा, तो वो चिराग जलेगा क्या? और काल में कोरोना संकट में क्या पाकिस्तान अब भी जंग चाहता है? पाकिस्तान का कोरोना प्लान आखिर क्या है? से वहीं एके मिश्रा एनालिस्ट है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एके मिश्रा जी, पाकिस्तान का सवाल यहां पर खड़ा किया गया, क्या इस कोरोना काल में भी वो जंग चाहता है? और उसके साथ तबलीगी जमात का मुद्दा इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं तबलीगी जमात के लोग जहां जहां गए वहां वहां कोरोना फैला। इस मामले को किस तरह से देखते हैं एके मिश्रा जी? देखिए, आपने जो बोला एकदम सही है। पाकिस्तान का आप इतिहास देखिए, सामने से जंग में ये कभी नहीं जीत पाए हैं, इनके लिए ये सोने में सुहागा है। ऑपरेशन जिब्राल्टर से इन्होंने शुरू करके जो छद्म युद्ध होता है, प्रॉक्सी वार होता है, खुदकुश बम्बार यानी सुसाइडल जो सेना इन लोगों ने बनाई थी कि एक लड़के के 14 साल के लड़के के पेट में सीने में बम की पट्टियां बांध के उसको जाके भीड़ में उड़ा देना, ये इनका नेचर है। वहां की मीडिया आप देखिए तो अंदर ही अंदर वो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई मरना है तो कम से कम देश के लिए ऐसे करके मरो। वो कोरोना जिहाद, ये इसको जो है कोरोना जिहाद के रूप में ले रहे हैं। वहां के लोगों की, कुछ लोगों की बांछें खिल गई हैं, उनको एक ऐसा चीज मिल गया है कि अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक करने के लिए जानबूझ के ये लोग इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराएंगे, बढ़वाएंगे, प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये केवल प्रॉक्सी वार ही कर सकते हैं। तो हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ये इनका इतिहास है, कोई भी नई चीज इनको मिलेगी जिससे ये नुकसान पहुंचा सके, कैसे भी करके ये अपनी पब्लिक को बरगलाएंगे। और नुकसान पहुंचाने की इनकी फितरत रही है प्रॉक्सी वार, तो ये बेस्ट एग्जांपल इनको प्रॉक्सी वार के लिए मिला हुआ है। मौलाना, कोरोना वायरस संक्रमित आतंकवादियों को भेजने की तैयारी यहाँ पर चल रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहली बात तो ये है कि मैं आप पे हंसूंगा और आपके उस ऑफिसर पे भी मुझे हंसी आ रही है जिसने ये कहा है कि पहले दहशतगर्द बंदूकें लेके आते थे, अभी दहशतगर्द वायरस लेके आते हैं। भाई जिसको वायरस होता है वो तो 8 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता, उसको तो 8 दिन बाद मेडिकल सर्विस चाहिए। आपको तो ये किसने कहा? किसने कहा 14 दिन तो क्वारंटाइन में रखा जाता था कि सिम्टम्स आए, 8 दिन से ज्यादा वायरस के बाद इंसान मर जाएगा? मशीनरी है और जो मिलिट्री लीडरशिप है, क्या उसके दिमाग में कोई अकल नाम की चीज नहीं है कि कभी किसी ने बंदा भी भेजा है कि जिसको वायरस हो और ये वायरस हम ये बंदा जाके आगे इंडियन आर्मी को वायरस कर देगा? बम बांध के उड़ा देता है, प्रोग्राम का पैनल बनाने से पहले इसके पहले भी तो आपने कुछ बमबार ही तो पैदा किए हैं। या कहीं जरूरी नहीं आप इसको भी बम की तरह यूज करोगे? आपका इतिहास है कि 14 साल के लड़कों के पेट में और सीने में बम बांध के आप उसको सुसाइडल जो है जिहादी बना देते हो? तो काम करनी चाहिए। ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये जो आपके पीछे टीम बैठी है, इनको पता नहीं चल रहा कि एक बंदा कैसे वायरस लेके आ सकता है? बंदे को बम बांध कर ला सकते हैं तो वायरस बहुत छोटी चीज है। जहाँ पूरी दुनिया से जैविक हथियार कह रही है ना, तो इसे जैविक हथियार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल ही हो रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी पे आते हैं, वो थोड़ा सियाने बंदा होता है, कंपैरेटिवली आवाम से बेहतर वेल इन्फॉर्म्ड होता है। क्या एक वेल इन्फॉर्म्ड बंदा आप जैसा क्या आपको सवाल करना चाहिए? सर, हमने वेल इन्फॉर्म्ड कौम आपकी देखी है ना कि पूरी दुनिया लॉकडाउन लगा रही है, आपके प्रधानमंत्री इतने वेल इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, लॉकडाउन ही नहीं लगा रहे हैं। कमर जी भाई, आप ये बताइए कि आप लोग ये कह रहे हैं, इमरान खान का कहना है कि आंकड़े काफी कम है, 10,000 के आंकड़े कम होते हैं, ये बताइए कोरोना वायरस के हालात नहीं दिख रहे हैं? आप ये बात कर रहे हैं कि कैसे एक वायरस आ सकता है? जब बम आ सकता है तो वायरस क्या चीज है? जैविक हथियार की बात सुनी है आपने? पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ये पता है आपको? जैविक हथियार की बात की जा रही है, उसका मतलब क्या है? यानी कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है पत्थर मारना। पत्थर मारने से ज्यादा बड़ा हथियार तो है ही नहीं पाकिस्तानियों के लिए। कबर चीमा साहब, शेख राशिद, देखिए वहां की सरकार चिंतित हो ही नहीं सकती है। उनको पता है कि ना वो रोटी दे सकते हैं ना कोरोना से बचा सकते हैं, तो वो केवल और केवल ऊपर वाले के भरोसे रह करके अपने आप को और अपने आवाम को और दुनिया को धोखा दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। चाइना के वुहान में भी जो ये लैब थी वहां पे एक मिलिट्री का, चाइनीज मिलिट्री का, पीएलए मिलिट्री का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। ये आइडिया इन्होंने वहीं से लिया है। मैंने पहले ही बोला कि पाकिस्तान अपने, देखिए न्यूक्लियर बम की जो देश तस्करी कर सकता है, स्मगलिंग कर सकता है, तो ऐसे सुनहरे मौके को वो क्यों हाथ से जाने देगा? बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इसीलिए इन्होंने अफगानिस्तान से जुड़ता हुआ बॉर्डर खोला और लगभग 1.5, आप उस फुटेज को देखिए, 1.5 लाख लोग पाकिस्तान से न जाने उसमें कितने इंफेक्टेड होंगे, कैरियर होंगे, उनको इन्होंने जानबूझ के अफगानिस्तान में
ये रोना रो करके वहां पे जाने दिया कि भाई अब हम क्या करें। देखिए मजबूरी का फायदा ये कैसे उठाते हैं, सब जगह इन्होंने नेपाल के थ्रू कोशिश ये कर रहे हैं, रिपोर्ट आई हुई है कि इनके हैंडलर जो है पाकिस्तानी है, उसके थ्रू ये इंडिया में कोरोना जो है इन लोगों को कोरोना से इन्फेक्टेड आतंकवादियों को जो है अंदर भारत में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इसके साथ साथ पाकिस्तान से लगते हुए जो और बॉर्डर है इनके साथ ये है कि ट्रेडिशनल युद्ध में सामने से ये कभी भी भारत से नहीं लड़ पाए, 4-5 बार इनकी लड़ाई हो गई, हमेशा ये प्रॉक्सी वॉर पे ही बिलीव करते हैं। न्यूक्लियर बम ये चला नहीं सकते हैं, वहां पे भी इनकी हिम्मत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हमारे बगल में एक ऐसा शर्मिंदा कर देने वाला दुश्मन है जिसको दुश्मनी क्या होती है ये भी नहीं पता है, तो हमें उससे एकदम अलर्ट रहना चाहिए और ये कर रहे हैं। ज्यादा जरूरत है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एके मिश्रा जी यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों के बीच पाकिस्तान को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ये जंग का ऐलान है? बिल्कुल देखिए ये जंग का ऐलान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हर सूरत हाल को जंग के ऐलान में बदलती है, ये उनकी इकोनॉमी चलती है, उनके देश का सर्वाइवल यही होता है कि छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी वो जंग के माहौल में बदल दे। वो देखिए वहां के जितने बहुत सारे पत्रकार हैं, जो बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, हालत जंग, मुल्क हालत जंग में है, मुल्क हालत जंग में है, ये एक आपदा का समय है, लेकिन इसको भी ये जंग से कोरिलेट कर रहे हैं ताकि वहां एक उन्माद फैले वहां पे। और देखिए मैनेज तो ये कर नहीं सकते, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ना इनके पास पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, ना उतने हॉस्पिटल है, आप फैसिलिटीज नहीं है, नहीं है। आप देखिए इंडिया में किडनी वगैरह ये सब ट्रांसप्लांट होना बड़ी आसान सी चीज है, वहां के किसी भी हॉस्पिटल में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांटेशन की अभी टेक्निक नहीं पहुंची हुई है, वहां के पास उनके पास ना डॉक्टर है, ना किट है, ना मेडिकल फैसिलिटीज है, कुछ नहीं है, तो अब कैसे करें? मन बहलाने के लिए ये लोग इसको भी ऐसे ही जोड़ रहे ताकि जनता बगावत ना करे, जनता विद्रोह ना करे, जनता का ध्यान भटका रहे इन सब चीजों से, तो अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं और हर दुश्मन देश के अंदर ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे, हर पड़ोसी देश के अंदर करेंगे। कहा जा रहा है कि अपने आप को देखिए, मैं एक चीज ऐड करूंगा, अभी आप ये देखिए $1 बिलियन इनको ऐड मिली थी पाकिस्तान के लिए, हर क्राइसिस इवन अगर मौत आया ना, मौत का सौदागर जिसको बोला जाए तो वो पाकिस्तान के लोग हैं, इनको बहुत सारे $1 बिलियन के ऐड फॉरेन एजेंसी से मिले थे, दूसरे देशों से मिले थे, देश की जनता से भी लोगों ने वहां पे लोगों ने देश की जनता ने उनको दान किया, और अभी वहां टीवी पे खबर चल रही थी कि जस्ट 2-4 दिन पहले $1 बिलियन की जो भी राशि वहां इकट्ठा की गई थी वहां के मंत्रियों ने मिल बांट करके खा पी करके बराबर कर दिया, तो ये ऐसी चीज को भी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो भी उनको चाइना जो लगातार सामने आ रहा है उसको बॉयकॉट करने की बात हो रही है, अब पाकिस्तान उसके साथ मिल गया है, दोहरी मुश्किलें भारत के लिए सामने आ रही हैं, कितनी चुनौतियां सामने आ रही हैं, कैसे निपटेगा भारत? देखिए भारत के लिए चुनौती नहीं है, ये मौका है, मैं आपको बताऊं, होता यह है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए खाई पहले खुद ही रहती है, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों की हालत यही है। बहुत पहले 2 महीने पहले भी मैंने ये बोला था कि चाइना ने अपने पैर पे नहीं अपने गले पे कुल्हाड़ी मारी है, भले ही वो विश्व का ग्लोबल लीडर बनना चाहता हो अगर इस हरकत से। रही बात जो इस चीज को भी लेके बहुत चिंता करने की बात नहीं है कि पाकिस्तान जो घुसपैठियों को भेजेगा, भाई देखिए घुसपैठिए आएंगे, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारी मिलिट्री में ऐसे भी विंग है जो बायोकेमिकल वॉर वगैरह लड़ने के लिए उनके पास किट अवेलेबल है जी। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है कि घुसते ही ऑन द स्पॉट उनको शूट एट साइट करिए, गोली मारिए, हमें उनके साथ कोई उनको लेकर के क्वारंटाइन तो करना ही नहीं है। बॉर्डर पे अगर हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे वहां पे घुसते ही उनको शूट एट साइट, जो घुसपैठिया है उसको गोली मारिए, उसको पकड़िए मत, गिरफ्तार मत करिए, सीधे गोली मारिए खत्म, और उसकी लाश भी मत उठाइए, वहीं पड़े रहने दीजिए, सड़ रहने दीजिए, वो पाकिस्तान वाले उठा के लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, नहीं तो डिके हो जाएंगे या कुछ तेल वेल डाल करके लगा दीजिए। एक ही मिश्रा जी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है उसके बाद जब हम चीन को बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो पाकिस्तान भी उससे जुड़ा हुआ है, जैसे चीन लगातार इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमसे ही एक्सपेक्टेशन रखता है कि हम भाई कुछ ना करें, मुंह बंद करके बैठे रहे, पाकिस्तान जो करे हम चुपचाप सहते रहे, तो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है, लेकिन किस तरह से भारत ये चाहेगा कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को ही बॉयकॉट किया जाए अगर वाकई इस जैविक हथियार का इस्तेमाल किया गया है? देखिए बॉयकॉट किसी को भी डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, आपने अखबारों में पढ़ा होगा 250-300 से लेकर 1000 कंपनियां चाइना से उठ के इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए रेडी है, आ रही है। कोविड का ये जरा सेशन खत्म हो जाने दीजिए, ये पीरियड खत्म हो जाने दीजिए, अगले 2 सालों में आप ये देखेंगे
देखिए जापान जो एक महाशक्ति है आर्थिक, उसने मना कर दिया है, उसके साथ यूएसए ने मना कर दिया है, यूरोपियन यूनियन ने कर दिया है, इवन गल्फ वगैरह भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है तो वो मना कर देंगे, तो उनके दिए में तो तेल ही नहीं बचेगा, तो वो चिराग जलेगा क्या? और अगर चाइना खत्म हुआ तो पाकिस्तान खत्म हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को जो फीडिंग वगैरह मदद वगैरह पहले यूरोपियन कंट्री वगैरह यूएसए से मिलता था वो भी खत्म है। तो ये है ना कि जैसे दीपक बुझने के पहले फड़फड़ाता है बहुत तेजी से, ये लास्ट फेज में चाइना चल रहा है। हमें अपने धर्म के हिसाब से मानवता के आधार पर टिके रहना है, अपने व्यवहार को अच्छा बना के रखना है, उसके बाद सारी चीजें भगवान खुद हमारे फेवर में करेगा। जस्ट वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिल्कुल सारे इंतजार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल एक और जवाब मिलेगा, जवाब दिया जाएगा और इस बार आप बच नहीं पाएंगे। चेतावनी और अपील भी, देखिए पाकिस्तान से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने लिए कब्रें बड़ी जोर शोर से खुदवा रहे हैं, इसकी भी खबरें चोरी छुपे आई है। देशवासियों को मैं ये बोलूंगा, बी डिसिप्लिन्ड, हजारों साल का हमारा इतिहास रहा है, हमारी संस्कृति रही है, हमने बहुत अच्छे तरीके से ऐसे समस्याओं को झेला है और हम इस पे भी विजय पाएंगे। क्वारंटाइन रखिए अपने आप को, आइसोलेट रखिए।